मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। राम राम सा खम्मा घणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज की राजस्थान बीएसटीसी एक्सप्रेस 2020 के अंतर्गत। जी हाँ, हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 9th। जी हाँ, इससे पहले हम 8 मॉडल पेपर कर चुके हैं। शिक्षण अभिरुचियां, जो शिक्षण अभिक्षमता है, जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम होता है या पीटीटी का एग्जाम होता है, जहां पे आपको शिक्षण अभिरुचियां, शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारा नवा मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत साथियों आज हम 25 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक पेन और एक पेपर लेके बैठिएगा और बताएंगे कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। लास्ट में आपको अपना स्क्वायर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आपको क्या कहा गया यहाँ पे, वॉटसन के अनुसार कौन सा गुण क्रिया जन्म के समय शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होता है। साथियों, एक मनोवैज्ञानिक है कौन, वॉटसन, उन्होंने कहा था, उनके अनुसार ऐसा कौन सा गुण क्रिया है जो जन्म के समय शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होगा। जब शिशु का जन्म होता है तब वो गुण उसके अंदर नहीं दिखता है, वो कौन सा है, प्रतिवर्ती क्रिया, देह आकार, व्यवहारिक गुण या उपरोक्त सभी। साथियों, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, कोई भी क्रिया करेंगे वापस उसकी अनुक्रिया होगी। जैसे आग में हाथ जल गया तो फटाक से हम हाथ वापस खींचेंगे, पैर में कांटा लगते ही हमें पता चलता है कांटा लग गया, हम पैर वहां से हटाएंगे। तो ऐसा क्या जन्म के समय शिशु में होता है, बिल्कुल होता है। देह आकार, उसके शरीर का आकार, बिल्कुल आकार प्रकट होता है। व्यवहारिक गुण, साथियों व्यवहार उसका प्रकट नहीं होता, वो कैसा है कैसा नहीं है। व्यवहारिक गुण तो क्या करता है, वो बाद में अर्जित करता है, विकसित होते हैं कैसे, समाज के अंदर रहकर, सामाजिक परिपक्वता के दौरान, सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने सी आंसर बताया था, वो मेरे भाई बहन क्या हो गए, सही हो गए। सी वाले क्या हो गए, सी वाले राइट हो गए। तो ये पहला प्रश्न था आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखेंगे, आज के बाद गलत नहीं करना है। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। साथियों, जो एक बालक होता है, एक शिशु होता है, उसका जो सामाजिक विकास होता है, उस विकास की गति तीव्र कहां पे होगी, एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, या फिर दोनों में ही तीव्र होती है, या फिर कहीं पे भी तीव्र नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। साथियों देखिएगा, एकल परिवार के अंदर कितने लोग होंगे, बालक के माता पिता और भाई बहन। लेकिन संयुक्त परिवार के अंदर उसके दादा दादी होंगे, माता पिता भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, चाचा चाची और उनके लड़के भी होंगे, ताऊ ताई उनके लड़के भी होंगे, हो सकता है बुआ भी हो। इनके साथियों, एक संयुक्त परिवार के अंदर बहुत से लोग होते हैं, तो बालक जितना ज्यादा लोगों के संपर्क में रहेगा उतना ज्यादा उनको विकास होगा। कहता है ना भाई, एक परिवार में चार लोग, अगर एक लड़के को एक आदमी एक बात बताए तो यहाँ पे वो चार बात ही बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पे 14 लोग हैं तो 14 बातें वो सीखेगा। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि क्या हो जाएगा, राइट, बी राइट हो जाएगा, संयुक्त परिवार में विकास की तीव्र गति होगी। तो यहां से जिस भी भाई भाई ने बी आंसर बताया है, वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है। साथियों, जो नेता होता है, जो क्या करता है, अपने समुदाय का नेतृत्व करता है, वो कहलाता है नेता। तो उस नेता के लिए सबसे ज्यादा किस विषय का ज्ञान आवश्यक है, उसको किस सब्जेक्ट के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, कंपल्सरी है, आवश्यक है। मनोविज्ञान का, सम्मोहन शक्ति का, राजनीति का, प्रभावी वक्ता का। यहां पे जरा सोचिएगा, नेता कहते हैं किसे। अगर आपको नेता की परिभाषा पता है तो आप सही करेंगे, नहीं तो भाई मुझे बहुत बुरा लगेगा कि आप आंसर गलत बताएंगे। तो साथियों, यहां पे जो भी ए बता रहे हैं, मनोविज्ञान, वो राइट हो जाएंगे। क्या एक नेता के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान है, वो क्या होगा, सर्वाधिक आवश्यक होगा। कुछ लोग कहेंगे राजनीति का, अरे भाइयों उस राजनीति वाले नेता का माना या नहीं पूछा गया है, नेता कौन होता है, कक्षा के अंदर एक मॉनिटर है वो भी नेता होता है, एक शिक्षक भी नेता होता है। नेता वो होता है जो क्या करे, नेतृत्व करे, किसी को संभाले, उनका नेतृत्व करे। तो अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है शिक्षण अभिरुचि के, जो आपके 6 से 7 टॉपिक दिए हुए बुक में, उनके सभी की एक एक टॉपिक पर लगभग 1-1 घंटे की क्लास हुई थी, तो चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी, जाके पहले क्लास देखिए, फिर यहाँ पे आप टेस्ट दीजिएगा, आपके काफी प्रश्न सही होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान का ज्ञान है वो साथियों नेता के लिए क्या है, आवश्यक है। जिसने भी ए आंसर बताया वो भाई बहन क्या हो गए, सही हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। एक ऑप्शन वहां से उठाते हैं भाई, ठीक है, अब लेते हैं यहां पे सारा श्रेय क्या स्वयं को देंगे। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैं भी पढ़ता हूं क्वेश्चन, मैं एक ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए, ताकि बताने में क्या रहे, सुविधा रहे, ठीक है। सारा श्रेय क्या करेंगे, सारा श्रेय क्या स्वयं को देंगे, ये था आपका अगला ऑप्शन,
सारा श्रेय स्वयं को देंगे। बताओ साथियों क्या कहा गया है, एक नेता को समूह के कार्यों के अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे साथियों एक नेता है वो जब समूह के जो भी काम वगैरह किए उनकी जब अनुशंसा कर रहा है तो उससे किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या उसको जब मीटिंग वगैरह हो रही किस चीज का मतलब आप कह सकते हैं नेता के लिए क्या आवश्यक है उसके समूह को सही रूप से चलाने के लिए, उनके अनुयायियों को सही रूप से चलाने के लिए समूह को आघात पहुंचनी चाहिए, समूह को ठेस पहुंचनी चाहिए इसलिए उसको काम करना चाहिए, केवल कुछ व्यक्तियों की गुने चुने कुछ व्यक्ति ले और उनकी प्रशंसा करे, समूह को प्रेरणा मिले, समूह मोटिवेट हो और समूह उससे कुछ सीखे, या फिर सारा स्वयं खुद को दे कि भाई देखिएगा हाँ आप मेरे अनुयायी हो ये काम मैंने किया है मेरे बारे में तालियां बजाओ वो करो, नहीं साथियों यहाँ पे क्या होगा जब भी एक नेता अनुशंसा कर रहा है कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा करेगा तो बाकी वाले क्या होंगे नाराज होंगे और क्या मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जैसा अभी हमारे वर्तमान परिस्थितियां चल रही है राजस्थान के अंदर आप सभी अच्छे तरीके से जान रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा नहीं तो साथियों अगर समूह को प्रेरणा मिलनी चाहिए ऐसी बात कीजिए जिससे समूह क्या हो मोटिवेट हो एकता बनी रहे और सभी आराम से काम कर सके किसी प्रकार का कोई चक्कर ना पड़े, तो यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा आपसे क्या कह रहा है, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके गुण जिसमें कौन सा गुण जिसके गुण है वो खो यानी कि कैसे गुण होने चाहिए, नेतृत्व यानी कि नेता बनना है नेतृत्व करना है 10 15 20 25 जितने भी लोग हैं उनका एक ग्रुप है उनको हैंडल करना है तो आपके अंदर कैसे गुण होने चाहिए ताकि आप उनको हैंडल कर सके, आदर्श उच्च आदर्श गुण होने चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति होगा तो भी हैंडल कर लेगा, या फिर क्रूरता का भाव होना चाहिए हिटलर जैसी आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। साथियों नेतृत्व केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर क्या हो उच्च आदर्शों वाले गुण हो, जिसका गुण कैसे हो उच्च आदर्शों वाले गुण हो, तो यहां से जहां जो भी भाई बहन ए आंसर बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है सही है। साथियों नेता के अंदर उच्च आदर्शों वाले गुण होना क्या है आवश्यक है जिससे वो नेतृत्व अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपको क्या कह रहा है, सर्वोत्तम नेतृत्व होता है। साथियों नेतृत्व के मैंने आपको कुछ प्रकार पढ़ाए थे और उनमें से मैंने बताया था कि यह नेतृत्व क्या है सर्वोत्तम नेतृत्व है, तो नौ ऑप्शन फटाफट से आंसर टाइप कीजिएगा सर्वोत्तम नेतृत्व का प्रकार कौन सा होता है। सबसे बताएंगे नेतृत्व का प्रकार, मैंने आपको नेतृत्व पढ़ाए थे हृदयग्राही नेतृत्व प्रजातांत्रिक नेतृत्व बहुत सारे नेतृत्व पढ़ाए थे, चार या पांच टॉपिक पढ़ाए थे लेकिन तीन इंपोर्टेंट थे मैंने आपको बताए थे, दो इंपोर्टेंट थे वो भी बताए थे, तो बताओ सर्वोत्तम नेतृत्व कौन सा होता है। चलिए ऑप्शन शो कर देते हैं भाई बहुत सी मेहनत की है। साथियों देखिएगा यहां पे था सर्वोत्तम नेतृत्व, क्या था सर्वोत्तम नेतृत्व यानी कि सबसे उत्तम प्रकार का नेतृत्व कौन सा होता है, तो आपको पता है लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा यानी कि प्रजातांत्रिक लोकतंत्र, कौन सा प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है वो क्या होता है सर्वोत्तम नेतृत्व होता है। नेतृत्व का प्रकार में सबसे सर्वोत्तम नेतृत्व कौन सा होगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व होगा, तो जिसने भी प्रजातांत्रिक नेतृत्व बताया है वो क्या हो जाएंगे वो भाई यहां से क्या हो जाएंगे वो बहने यहां से राइट हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थी को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण। साथियों मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं लाइव हूं तो मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं और लाइव के अंदर मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं आपसे भी बातें कर रहा हूं आपसे भी फीडबैक ले रहा हूं कि क्लास अच्छी लगती है या नहीं लगती है तो उससे क्या होगा मेरा संप्रेषण बाधित हो जाएगा, ये केवल मेरे ऊपर निर्भर करेगा कि मैं जो कर रहा हूं वही होगा या फिर संप्रेषण सरल हो जाएगा आपको भी आराम से समझ में आएगा मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा या फिर जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही यहां से जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने देने से आपका जो संप्रेषण है वो क्या हो जाएगा सरल हो जाएगा, तो यहां से सी आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, जो आपसे क्या कहना चाह रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि जवाब दीजिए संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोध गम्य होनी चाहिए। साथियों आप जिस तरह जहां पे पढ़ा रहे हो वहां का कैसा आसपास का माहौल है वहां का परिवेश कैसा छात्र कहां से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार वहां की जो भाषा है ना उस परिवेश के अनुसार अगर आप भाषा बोलेंगे तो संप्रेषण और भी ज्यादा अच्छा होगा आराम से समझ में आएगा। तो क्या बात यह सही है कि कभी कभी ऐसा होना चाहिए या फिर कोई जरूरी नहीं है अनिश्चित है या फिर बहुधा यानी कि हाँ होना चाहिए ऐसा या फिर निसंदेह बिल्कुल के होना ही चाहिए। अगर आप क्या करते हैं जहां जो जैसे छात्र है जैसे अब देखिएगा पहले से पांचवीं तक के छात्र हैं और जो इलाका
आता हो, जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ी भाषा वहां के आसपास की जो भाषा लोकल भाषा है उनमें अगर पढ़ाए तो वो आराम से समझ सकेंगे। अगर कहीं दूसरे है आप चले जाए शेखावाटी की तरफ तो वहां की जो भाषा है उनसे पढ़ेंगे तो अच्छा। अगर शुरुआत में उनको हिंदी पढ़ा दी जाए फर्स्ट क्लास में तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट रहेगा, समझ में थोड़ा सा कम आएगा। तो साथियों निस्संदेह ऐसा होना चाहिए क्या कि जो जैसा जहां का परिवेश है उसी के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए। तो यहां से डी आंसर के सॉरी आठवें के अंदर क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वह, साथियों देखिएगा छोटे बच्चे हैं, कैसे आपने प्राय स्कूलों के अंदर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के अंदर आते हैं तो स्कूलों के अंदर उनको माला पहनाई जाती है, गुड़ खिलाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो रोज क्या है स्कूल आ सके। तो साथियों छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का क्या कर्तव्य है, उन्हें पुरस्कृत करे, उनकी प्रशंसा करे, उन्हें दंडित करे या फिर उन्हें प्रेरित करे। आप लोगों को तो प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि आप समझदार हो आपको पता है, लेकिन साथियों फर्स्ट क्लास वाला बच्चा है उसे हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उसे भाई प्रेरित करने से कुछ नहीं होने वाला, उसे तो पुरस्कार देना पड़ेगा। हाँ उसके क्या पुरस्कार देना पड़ेगा, गुड़ वगैरह खिलाओ, पेन कॉपी लाके दो, अच्छे से उसको पुरस्कार करो, उसका लगना चाहिए कि मेरे को स्कूल में क्या आया, आनंद आया, तो वो अगले दिन स्कूल आएगा और अध्ययन के अंदर उसकी क्या रुचि बढ़ेगी। तो यहां से ए आंसर वाले क्या हो जाएंगे, राइट। वैसे प्रेरित करना भी क्या है, प्रेरित करना भी सही है, लेकिन जब बात फर्स्ट क्लास से फाइव आपके लेवल की आती है, मतलब जो आप जिनको पढ़ाने वाले, तो साथियों वहां पे पुरस्कृत ज्यादा सही रहता है। तो यहां से ए आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए, राइट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे क्या कह रहा है, विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रति अन्य शिक्षकों का अन्य अध्यापकों का तिरस्कार भाव होना चाहिए, यह कथन कैसा है। साथियों देखिएगा तिरस्कार उनके अवहेलना करना उनका कहना नहीं मानना ठीक है, तो साथियों क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है उससे आप मनमुटाव रखें, उसकी बात न माने, क्या ऐसा होना चाहिए, ये सही बात है। तो आप सदैव लिखो कभी कभी होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए या फिर प्राय नहीं होना चाहिए, क्या बात है, एक प्रिंसिपल और एक अध्यापक के बीच में नहीं बननी चाहिए क्या, नहीं साथियों हमेशा बननी चाहिए, कभी भी तिरस्कार का भाव पैदा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि प्रधानाचार्य क्या है आपका ही साथी है, विद्यालय के अंदर जितने भी शिक्षक है किसी से भी तिरस्कार का भाव न रखें क्योंकि वो सब आपके क्या है शिक्षक साथी है। तो कभी नहीं क्या हो जाएगा, कभी नहीं तिरस्कार का भाव है वो कभी भी पैदा होने नहीं देना है, कभी नहीं राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जिसने भी बी बताया है वो क्या हो गए, राइट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कोई छात्र कक्षा में कमजोर है उसकी कमजोरी दूर करने की दिशा में आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन और ले लेते हैं, कक्षा के बाद भी उसकी सहायता करेंगे और अभिभावकों को बताएंगे, और इधर लिखा हुआ कोई छात्र संबंध बढ़ाएंगे या ट्यूशन के लिए कहेंगे। साथियों कक्षा के अंदर छात्र कमजोर है और उसकी कमजोरी दूर करनी, तो संबंध बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ट्यूशन के लिए कहोगे अच्छी बात है, लेकिन साथियों वहां पे आपको ट्यूशन से अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि कक्षा के बाद आप क्या करो, कक्षा के बाद आप उसकी क्या करो, सहायता करो। तो आप क्या करेंगे, कक्षा के बाद भी उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे ताकि उसमें सुधार आ सके। तो यहाँ पे सी वाले भाई बहन हो गए सही। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह, साथियों एक अध्यापक है उस अध्यापक के लिए चार ऑप्शन दिए गए ना, इन चारों में से ज्यादा जरूरी कौन सा है, छात्रों से विचार विमर्श करें, प्रिंसिपल से नियम पूछे कि स्कूल के नियम क्या है, साथी अध्यापकों से बातचीत करें, कैंटीन में जाकर चाय पिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कौन सी आती है एक अध्यापक के लिए कि बाकी वाले नहीं करेगा भी चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा इन तीनों से क्या है इंपॉर्टेंट है। साथियों यहाँ पे छात्रों से विचार विमर्श करे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों लिखिएगा प्रधानाध्यापक से नियम पूछे ना पूछे अच्छी बात है, रजिस्टर में मिल जाएंगे आपको नियम, बेसिकली हर शिक्षक को ट्रेनिंग में नियम बता दिए जाते हैं। साथी अध्यापकों से बातचीत करनी चाहिए अच्छी बात है, कैंटीन में जाके चाय पिए ना पिए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन छात्रों से विचार विमर्श करना क्या है जरूरी है। तो यहां से ए आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में परिचय पत्र आपकी दृष्टि में। साथियों जो चुनाव आयोग है हमारा निर्वाचन आयोग, वहां पे साथियों क्या होता है, चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वोट लगते हैं तो उस समय आपसे क्या मांगा जाता है, आपको परिचय पत्र, आप बोलते हैं वोटर आईडी, वो आपको वहां पे क्या दिखानी पड़ती है। तो ये क्या है आपकी दृष्टि में कैसा है, अच्छा प्रस्ताव है
इसका जो क्रियान्वयन है इसको जब बनाते हैं तो काफी टाइम लगता है, सरल नहीं है क्रियान्वयन, या फिर फालतू के लपचड़े हैं कि आइडेंटिटी का वो कुछ नहीं, जाओ वोट दे के आ जाओ, ऐसा होना चाहिए। या फिर क्या है, बेईमानी रोक पाना मुश्किल है। भाई आपको बेईमानी रोकनी है नहीं रोकनी उसके बारे में नहीं कहा है, आपको इस प्रस्ताव के बारे में कहा है कि परिचय पत्र में क्यों, ये क्या है, कैसा प्रस्ताव है। तो साथियों परिचय पत्र वाला क्या है, अच्छा प्रस्ताव है जहां से थोड़ी सी बेईमानी भी रुकेगी और क्या है, अच्छा प्रस्ताव। हालांकि इसका क्रियान्वयन भी सरल नहीं है, ये भी राइट है, दो नंबर मिलते हैं, लेकिन पे क्या है, आपको पूछा ये कैसा है, तो ये क्या है, एक अच्छा प्रस्ताव है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों द्वारा चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। साथियों छात्र क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और आपको उनकी जो चोरी की प्रवृत्ति है उनको क्या करना है, रोकना है। तो आप क्या करेंगे, कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे कि ये चोर है, चोरी करता है, ताकि वो आगे से चोरी ना करे, सबको पता चल जाए, या फिर प्रधानाध्यापक को बताएंगे कि सर ये लड़का चोरी करता है। साथियों अगर आप प्रधानाध्यापक को बताओ तो आप किस लिए हो, तो आप किस लिए हो मेरे को ये बताओ। आप शिक्षक हो, कोई भी बात आ रही छोटी मोटी, आप प्रधानाध्यापक के पास जा रहे हो दौड़ के, ये अच्छा नहीं लगता, ये एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। चोरी के कारणों का पता कर उनका निदान करेंगे। अब ये बाजरे में आप निराई गुड़ाई करते हो वो निदान नहीं है, ठीक है, निदान नहीं है, निदान है, क्या है, निदान है। और पुलिस की सहायता लेंगे, भाई क्या बात है पुलिस की सहायता लेने की, आप क्या करो, क्यों हो रही है चोरी, उन चोरी के कारणों का पता करो और फिर क्या करो, उनका निदान करो। तो यहां से क्या आंसर राइट हो जाएगा, सी वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे, जिन्होंने भी सी बताया। बस इसी प्रकार क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो भी परिस्थितियां आ रही है आपके सामने, प्रतिकूल परिस्थितियां, उनका निदान कीजिए आप भी, मगर अनुकूल परिस्थितियां क्या कीजिए, पैदा कीजिएगा। अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर मन खाली जगह में, मन में भावना जागृत होती है। यानी कि साथियों आपका अध्यापक है वो स्वाध्याय कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसको आप सेल्फ स्टडी करते हुए देख रहे हो, पसीना बहाते हुए देख रहे हो किताबों के साथ, तो आपके मन में कैसी भावना जागृत होगी। आपका भी मन पढ़ने का करेगा कि मैं भी सर की तरह पढ़ूं, स्वाध्याय की भावना जागृत होगी, या स्वाध्याय का थोड़ा थोड़ा मन होगा ठीक है यार के सर पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ लेता हूं दो मिनट, ऐसा कुछ होगा। या फिर कोई भाई हमारे कोई भावना जागृत नहीं होती है, भले ही वो पढ़े या मत पढ़े, शिक्षक का काम शिक्षक जाने। या फिर साथियों पढ़ने में विरक्ति उत्पन्न हो जाती, नहीं भाई यहाँ पे आपको क्या होगा, शिक्षक आपका पढ़ रहा है उसके अंदर आप स्वाध्याय की भावना देखेंगे, वो स्वाध्याय से लिप्त है, स्वाध्याय में लिप्त है, अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो आपके मन में भी होगा कि यार क्या करूं मैं भी पढ़ूं। तो यहां से ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्या कहा गया है, एक ऑप्शन भाई हमारा छूट गया पीछे स्व निर्देशन को, तो मैं यहां लिख देता हूं, तब तक आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। डी के अंदर आपको दिया हुआ है स्व निर्देशन, क्या दिया हुआ है, स्व निर्देशन दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई, कक्षा में अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो उन्नत कर सकता हो। साथियों क्लास के अंदर कैसा अनुशासन होना चाहिए, सामाजिक मान्यताओं को उन्नत करे ऐसा, शिक्षक के विश्राम टाइम को उन्नत करे कि भाई शिक्षक नींद ले तो भी बच्चे चुपचाप बैठे रहे, ऐसा अनुशासन चाहिए आपको। छात्र स्व निर्देशित रहने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रहे, छात्र को कुछ भी कहना ना पड़े कि बेटा ऐसे करो वैसे करो, वो खुद क्या रहे, अपने आप से अनुशासित रहे, हर समय क्या रहे, अनुशासन में रहे। या फिर स्व निर्देशन, खुद को निर्देशित करता रहे कि मुझे ऐसा करना है और अनुशासन में रहे। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जिस भी भाई बहन ने सी बताया है वो राइट है। छात्र स्व निर्देशित के लिए क्या रहना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, उसको खुद को पता होना चाहिए कब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहां से 16 में सी वाले क्या हो गए, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, भगवान ना करे ऐसा हो, मेरी आप सबको दुआएं हैं भाई। देखिएगा अब ये दुआएं तो किन पे लागू होगी, मेहनत करने वालों पे लागू होगी। जिसको मलेरिया होता है उसी को मलेरिया के रोगी वाला, मलेरिया के उपचार के लिए जो दवाई होती है उसका इंजेक्शन देंगे तो ही वो ठीक होगा। जिसको टाइफाइड हुआ उसको मलेरिया की गोली लगेंगे तो असर तो होगा भाई, लेकिन इतना नहीं होगा, उसको तो टाइफाइड वाला ही लगाना पड़ेगा। तो जो मेहनत करेगा उसी को मेहनत का फल मिलने वाला है, बाकी मेहनत नहीं करोगे तो आपको वही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्या अगली बार पुनः बैठना। लेकिन ये क्वेश्चन है कि अगर को देखिए यहां पे कोई भी ठेस भावना मन में डिमोटिवेट नहीं होना है, ये क्या है क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बीएसटीसी में, पीटीटी में आ सकता है। तो क्या करना है, बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया, तो आपको ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आप आंसर क्या देंगे वो आपका फीडबैक लेना चाहते हैं। तो क्या कहा गया, यदि आप बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या करोगे भाई, शिक्षक बनने की इच्छा को छोड़ दोगे, हाँ ये भाड़ में भाई, या फिर शिक्षक व्यवसाय में जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, कुछ करेंगे भाई जिससे शिक्षक व्यवसाय में जुड़े रहें, या फिर अगले वर्ष पुनः बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देंगे कि आजा भाई, हाँ क्या
लौट कर आएंगे तेरी महफिल में क्या होगा, लौट कर आएंगे तेरी महफिल में अंदाज तो वही होगा लेकिन किरदार बदला हुआ होगा, ऐसा कहोगे या फिर के विभाग या शिक्षक को गलत ठहरेंगे जिसने पढ़ाया था कि वो क्या था, मूर्ख था, या फिर ये क्या है बीकानेर वाला पूरा विभाग ही फेल है, अच्छे से रिजल्ट नहीं बनाते। भाई क्या करोगे, लौट कर आएंगे तेरी महफिल में, किरदार तो अंदाज तो वही होगा लेकिन किरदार क्या होगा, बदल चुका होगा। सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पुनः बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देंगे, हार नहीं मानेंगे। साथियों हार को हमेशा अपने लक्ष्य से दूर ही रखना है, ठीक है। तो यहां से सी वाले भाई बहन क्या हो गए, राइट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक द्वारा पुरस्कार और दंड दिया जाना चाहिए। साथियों एक शिक्षक है, अच्छा काम करे बच्चा तो पुरस्कार देगा, बुरा काम करे कुछ गलती करे तो क्या दे सकता है, दंड दे सकता है। लेकिन ये पुरस्कार और दंड किस तरह से दिया जाना चाहिए, कब पुरस्कार देना चाहिए कब दंड देना चाहिए। समान रूप से जब थप्पड़ मारता है उसी टाइम 5 रुपए की पेन लाके उसको सम्मानित भी करो, या फिर पुरस्कार थोड़ा ज्यादा दो दंड कम दो, या फिर दंड ज्यादा दो और पुरस्कार कम दो, या फिर परिस्थितियों के अनुसार अगर गलती करे तो आप क्या दो, दंड दो, अगर कुछ अच्छा काम करे तो पुरस्कार दो। इनके साथियों 18 के अंदर क्या राइट हो रहा है, डी राइट हो रहा है। बिल्कुल भाइयों यहां से डी राइट हो जाएगा, बहनों ने भी डी बताया है कि परिस्थितियों के अनुसार पुरस्कार और दंड दिया जाना चाहिए। तो डी आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए, सही हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आपसे क्या पूछ रहा है, शिक्षा के दृष्टिकोण में किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है। साथियों एक शिक्षा के दृष्टिकोण की बात की है, ठीक है। शिक्षा के दृष्टिकोण के अंदर आपने कोई भी काम सीखा है लेकिन आप उसके अंदर सक्सेस कब कहलाएंगे, कब सक्सेस होंगे आप वो बताएंगे। मैं ऐसे आपको क्लासेस दे रहा हूं, आप ये ले रहे हो, आपने यहां पे क्वेश्चन देखा कि इसका आंसर क्या होता है, लेकिन साथियों इससे कुछ नहीं होता। आप सक्सेस कब होंगे, जब आप सीखने की आपके अंदर सीखने की ललक होगी, आप सीखने के लिए तैयार है। साथियों सीखने के लिए तैयार हो अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन और पढ़ने, सीखने की स्थिति पर आप कैसा सीख रहे हैं उस पर, शिक्षक कैसा, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है उस पर नहीं भाइयों, शिक्षार्थी की प्रेरणा पर। बिल्कुल साथियों एक शिक्षार्थी है जो सीखने वाला है, ठीक है, सीखना है, सीख रहे, कैसे सीख रहे हैं कैसे नहीं सीख रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आप सीखने वाले हो आपने क्या सीखा वो इंपॉर्टेंट है। आपने किस तरह सीखा, आप सोते सोते सुन रहे हो, सिर्फ मेरे को सुन रहे हो, मेरे को देख भी रहे हो सुन भी रहे हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप सीख रहे हो और एग्जाम के अंदर सही करके आते हो तभी क्या मिलने वाली, सफलता। तो यहां से डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने डी बताया वो क्या हो गए, सही हो गए। शिक्षार्थी की प्रेरणा पर निर्भर करेगा प्राथमिक रूप से शिक्षण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, लास्ट आपके 5 क्वेश्चन इसके बाद और हैं। अध्यापन कार्य के बारे में आपको कौन सी बात अच्छी लगती है। साथियों अध्यापन कार्य अगर आप करवाते हैं तो आपको इसके बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगेगी, ये सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य है, इसके अंदर दिमाग विमाग गर्म नहीं होता क्या, नहीं भाई है तो शांतिपूर्ण कार्य, बहुत ही अच्छा सा काम है भाई अध्यापक वाला तो, ठीक है। या फिर ये कम सक्षम व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान करता है, या बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, या फिर लाभप्रद है कि इससे प्राइवेट ट्यूशन मिलता है, क्या राइट हो जाएगा भाई यहां से। साथियों यहां से तो आप सबको पता है कि जो शिक्षण है वो क्या है, शिक्षण एक क्या है, सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य है, इसके अंदर क्या है, बहुत ही आराम से अच्छा काम है हमारे समाज के अंदर, क्या शिक्षण, शिक्षा, क्या शिक्षण या शिक्षा। तो यहां से ए आंसर क्या हो जाएगा, ए वाले भाई बहन हो गए राइट। बाकी ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि साथियों आपको यहाँ पे पहले क्या होना पड़ेगा, पहले खुद तपना पड़ेगा, जब पहले खुद तपोगे तभी दूसरों को क्या कर पाओगे, प्रकाशित कर पाओगे। जैसे सूर्य पहले खुद तपता है तभी आपको प्रकाश देता है, तो कठिन है चुनौतीपूर्ण भी है लेकिन यहाँ पे शांतिपूर्ण आ गया तो ये बहुत ज्यादा सही है कि ये क्या है, सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य भी है। तो ए वाले भाई बहन क्या हो गए, राइट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, ग्राहक संप्रेषण के प्रवर्तक संप्रेषक को भेजा गया संदेश कहलाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन कितना पढ़ता है, अभी लिखते हैं यहां पे प्रतिपोष और अनुक्रिया, दो ऑप्शन रहे हैं, मैं यहां पे लिखता हूं ऑप्शन तब तक कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है। एक है यहां पे प्रतिपोष, क्या है प्रतिपोष, और अगला ऑप्शन है आपके लिए अनुक्रिया। बताओ साथियों अब बताओ, अब इसका आंसर दो फटाफट से, क्या फटाफट से आंसर आना चाहिए राइट, कि ग्राहक संप्रेषक है जो बोल रहा है और जो उसके सामने जहां पे संप्रेषक पकड़ने वाला, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, उनके द्वारा जो संदेश भेजे जा रहे हैं वो संदेश क्या कहलाएंगे, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। एक बाधा उत्पन्न करने वाला था उसको हमने किया था, और आज है कि जो संदेश भेजा जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा। तो भाइयों यहां से क्या राइट हो जाएगा, प्रतिपोष राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिपोष। जिसने भी सी आंसर बताया वो राइट हो जाएगा, याद कर लीजिए
ग्राहक संप्रेषक से प्रवर्तक संप्रेषक को भेजा गया संदेश क्या कहलाएगा? जो ग्राहक संप्रेषक है और उससे जो प्रवर्तक संप्रेषक है उसकी तरफ जो संदेश जा रहा है वो क्या होगा? वो प्रतिपोष कहलाएगा। तो यहां से सी आंसर वाले क्या हो गए? राइट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? साथियों जो शिक्षा है, आप सोचिएगा हमारी वर्तमान परिस्थितियां क्या है, वहां पे शिक्षा किसके अधिकार में है, आपको आंसर सही मिल जाएगा कि जो प्रौढ़ शिक्षा है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास वो शिक्षा विभाग, उससे हमें कोई मतलब नहीं, या फिर सरकार के हाथ में होना चाहिए शिक्षा विभाग, या फिर गैर सरकारी समितियां जो सरकारी नहीं है प्राइवेट है, 5 साल के लिए आते हैं फिर जाते रहते हैं, उनके हाथ में होना चाहिए, या फिर सरकारी और प्राइवेट दोनों समितियों के हाथ में होना चाहिए, वो 5 साल वाले भी होने चाहिए और जो परमानेंटली है वो भी होने चाहिए, सरकार के आदमी भी होने चाहिए। बिल्कुल साथियों 22वें के अंदर डी राइट हो जाएगा कि जो प्रौढ़ शिक्षा है वो साथियों सरकारी और प्राइवेट दोनों समितियों के पास होती है। राइट क्या हो जाएगा यहां से? डी। दोनों क्या करते हैं? मिलके काम करते हैं। जैसे आप अपना शिक्षा विभाग भी देख सकते हैं क्या है, राजनेता जैसे हमारे शिक्षा मंत्री वगैरह क्या है, ये क्या होते हैं? ये वोटों द्वारा जीत के आते हैं और इसके अंदर जो भी अन्य काम करते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे जो भी बहुत से जैसे अब आप देखेंगे जो पेपर वगैरह, यानी कि शिक्षक तो भाई इसमें भी तो है ना, तो वो क्या है? वो मेहनत करके आए हैं, यानी कि यहाँ पे गैर सरकारी और सरकारी दोनों होते हैं, क्या सरकारी और प्राइवेट दोनों समितियों के सदस्य होने चाहिए, ऐसे आप समझ सकते हैं। बाकी इतना फैक्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस आंसर को क्या करना है, सही करना है। यदि एक छात्र विद्यालय प्रांगण में धूम्रपान करता है तो आप क्या करेंगे? साथियों वो क्या करता है? लंगर लेके आता है, फोर स्क्वायर लेके आता है, गोल्ड फ्लेक लेके आता है स्कूल के अंदर और फिर क्या करता है? धुआं करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? उसे धूम्रपान की हानियां बताकर छोड़ने का परामर्श देना चाहिए या फिर दो चाटे मारने चाहिए या अभिभावकों से शिकायत करेंगे कि आपका बच्चा है वो क्या करता है, विद्यालय में धूम्रपान करता है, या फिर बाहर जाकर कहेंगे बेटा स्कूल में सिगरेट नहीं पीनी है, वहां बाहर जाओ पी के आ जाओ, ऐसा कहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है? उसे धूम्रपान की जो भी हानियां हैं वो बताओ और जहां तक कोशिश हो के उसे क्या करो, छुड़वाओ, उसे छोड़ने का क्या करो, परामर्श दो कि ये क्या है, बहुत ही गलत चीज है। तो यहां से 23वें के अंदर क्या हो जाएगा? ए आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से आंसर दीजिएगा, उसके बाद आपका क्या बनेगा? स्कोर बोर्ड बनने वाला है। निबंधात्मक परीक्षण व वस्तुनिष्ठ परीक्षण में समानता है। साथियों देखिएगा, एक तो निबंधात्मक परीक्षण होता है, एक कोई क्वेश्चन आता है जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में आए थे, वहां पे आपको क्या करना पड़ता था? पूरा पूरा लिखना पड़ता था उसका आंसर, तो वो आपका निबंधात्मक परीक्षण था। और अभी वस्तुनिष्ठ परीक्षण आएगा, अभी जो ये हो रहा है ये क्या है? वस्तुनिष्ठ। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 टिक करो, एक सही मिले उसको। तो इन दोनों के अंदर समान चीज क्या है? इन दोनों का जो समान है, इनका जो इनके अंदर जो समानता है वो समानता क्या है वो बताओ। वस्तुनिष्ठता में समानता है, गणना पद्धति दोनों को चेक करने में समानता है, उपयोगिता दोनों का इंपोर्टेंट समान है, या फिर उपलब्धि परीक्षण में समानता है। साथियों उपलब्धि परीक्षण में समानता है, आपने कितना पढ़ा, चाहे वो आपको निम्नात्मक परीक्षण दे तो वो वहां पे भी जांचना चाह रहा है कि इस बच्चे को कितना आता है, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे वहां पे भी वो जांच रहा है कि आपको कितना आता है। तो क्या है ये प्रकार का, इन दोनों के बीच समान चीज क्या है? कि क्या है? उपलब्धि परीक्षण करने में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यहां से उपलब्धि परीक्षण करने में जितने भी बताया डी आंसर वो क्या हो गए? राइट हो गए। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का आपका। अधिकार विद्यार्थी उस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते, जो अधिकार नहीं है क्या है? अधिकतर है। क्या है यहां पे? अधिकतर है। पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो आपको पता लग जाना चाहिएगा। मैं इसको करता हूं अभी यहां से क्या, सही भाई देखिएगा, अभी इस अधिकार को यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। होई ज्यादा हट गया, कोई बात नहीं, ठीक है, यह हट गया आपका अधिकार, और यहां पे अभी क्या कर देते हैं, अधिकतर कर देते हैं। अधिकतर विद्यार्थी क्या हो जाएगा साथियों? अधिकतर विद्यार्थी होते हैं वो, अधिकतर विद्यार्थी उस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते हैं जो उसकी जाति का हो, उस अपने विषय का ज्ञाता हो, अच्छे कपड़े पहन रहा है, कक्षा में पढ़ा रहा है, नींद नहीं मारे। साथियों अधिकतर विद्यार्थी उस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते हैं जो क्या हो, अपने विषय का ज्ञाता हो, बच्चों को ऐसे अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से समझ में आए, तो भाई उसी से क्या करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, उसी की बात सुनेंगे। तो यहां से क्या राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा कि अधिकतर विद्यार्थी उसी अध्यापक से श्रद्धा रखेंगे जो क्या हो, अपने विषय का ज्ञाता हो। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने क्या
बी आंसर बताया है वो क्या हो गए, राइट हो गए। अब भाई चलते हैं कहां पर, आपके स्कोर बोर्ड की ओर, कि आपका यहां से कितने प्रश्न राइट हुए और कितने नहीं हुए। और साथ ही मैं सभी को इन्फॉर्म कर दूं, लगभग हमारा जो भी बाकी वाले सब्जेक्ट है उनका कोर्स पूरा होने वाला है, दो दो तीन तीन टॉपिक रहे तो उनको हम जल्दी कर लेंगे। तो अभी तक जिस भी भाई के पीछे वाले बहुत से कमेंट आए थे मैंने देखे, जहां तक हो सका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, बट नहीं दे पाऊं तो देखिएगा। सबको यहां पर सामूहिक रूप से बता दूं, जितने भी पीछे की क्लासेस छूटी है अपना टाइम टेबल क्या कर दो, दो गुना कर दो। आप अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पढ़ना शुरू करके ये भी साथ में चलते रहो, और जो पीछे वाला है उसको भी साथ साथ में क्या कवर करते रहो। आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो भाई आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही हम आगे भी क्लास लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।